एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। मेरे शक्ल में दिख रही होगी आप लोगों को कि टेंशन तो होती है। इस बार बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है हमने, और मेरा काफ़ी समय के बाद मेरी कोई कमर्शियल फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा कुछ और कामों में लगा था। तो ऑफकोर्स नर्वस हूँ, टेंशन है, बट हाँ, चूँकि आज जैसे गाना आया, आज हमारा जी म्यूज़िक ने गाना रिलीज़ किया और कुछ ही घंटों में गाने हमारे इतने हिट हो गए हैं, लोगों के बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं दिल पटियाला, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है। और अभी हमारे, मैंने अपने बहुत सारे क्रिटिक्स दोस्तों को फिल्म देखने के लिए बुलाया है, जो कि बहुत घनघोर क्रिटिक है और फिल्म इंडस्ट्री के भी जाने माने टेक्नीशियंस, जैसे धर्म गुलाटी जी, रमावीर जी, वो लोग भी आए हुए हैं। अनिल शर्मा जी मेरे जो गुरु हैं, जो मैं जिनको मैंने गदर में असिस्ट किया, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा बहुत घबराहट है कि वो लोग फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस का रिएक्शन तो है ही है, लेकिन मुझे डर यह है कि आज ही मेरी कितनी क्लास लगेगी, क्या क्या जो मैंने गलतियाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे सीनियर है, मेरे गुरु है, तो मैंने उन लोगों को बुलाया है। तो पहला तो रिएक्शन मुझे आज ही मिल जाएगा, तो काफ़ी नर्वस हूँ मैं। वंडरफुल जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने थोड़ा सा, हमारे प्लानिंग में थोड़ा सा जल्दी में हो गया, और उनको US में जाना था, तो वो अभी इस समय US में है ना, तो वो भी शायद आज हमारे बीच में होती यहाँ पर। और बट आई एम श्योर कि वो जिस तरह का आज वो अपने अगर गाने देख रही होगी तौबा तेरा जलवा का, और उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप जब कल परसों से जब लोगों के ऑडियंस के रिएक्शन आएंगे, आई एम श्योर लव इट, एंड आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा। और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि मैं फिर से उनके साथ काम करूँ। और 22 साल के बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब उनके साथ काम किया, और एज ए डायरेक्टर अभी उनके साथ काम किया, तो मैं चाहूँगा जल्द फिर दोबारा जल्दी काम करें उनके साथ। थैंक यू सर। देखिए, हमें इस फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे, तब हमें अचानक एक बहुत अच्छे एक्टर की ज़रूरत पड़ी, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की ज़रूरत पड़ी, जिनको हम फिल्म में दिखाना चाहते थे। और हम सोचे किसको ले, हमने मुंडे जी को लिया। देखिए, आपके बीच में से है और इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, इसके बाद आप ये एक्टिंग में भी इनकी चल पड़ेगी। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है नरेश बंसल जी, और ये तो तेरा जलवा। या आई एम वेरी वेरी हैप्पी, गॉड इज़ वेरी काइंड टू अस, बहुत खुश हैं हम आज के दिन के लिए। 2 साल से हम वेट कर रहे थे कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो जाए, और अब 5 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। तो थैंक यू आप सबका कि आप भी आए हमें बधाई देने के लिए और हमारे को कॉन्ग्रेट्स करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। सो मच एक्साइटमेंट, कोई नर्वसनेस नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। गाना नहीं देखा है जियो म्यूजिक पे, तो प्लीज जाके देखिए, ये छाए हुए हैं, जलवा इनका है। ये तो क्या है कि डायरेक्टर ऐसे हैंडसम हीरो के सामने आता है, तो थोड़ा सा ठीक सा कपड़े पहन के आना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। एंड इट्स फिल्म इज ऑल अबाउट जलवा, तो देखिए। लांबा जी बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे इनके डायलॉग्स। देखिए, रिस्क रोमी त्यागी का स्टाइल स्टेटमेंट है, स्टाइल के बिना जिंदगी कट हो सकती है बट जी नहीं जा सकती डायरेक्टर साहब। और ये मेरे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, इनको मैं अगले फिल्म में भी चूना लगाऊंगा, ये पूरा मेरा वादा है। मैं चूना लगवाने के लिए तैयार हूँ। सर, मैं तो मौका मिला है मुझे इसमें काम करने के लिए, लामा सर ने मुझे कास्ट किया। बात करें, इज अ वेरी गुड एक्टर, इनके जितने भी सीन अगर आप देखेंगे तो थ्रिल हो जाएंगे, इज अ वेरी गुड एक्टर। और मैं एक हमारी इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिलेगा। थैंक यू सो मच। डैशिंग हैंडसम स्टार, आपका आशीर्वाद चाहिए भाई, आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप लोगों की दुआएं सर के लिए। देखिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आकाश जी को। मैं इसे बहुत लंबे समय से जानता हूं और बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। इस फिल्म की क्लिपिंग्स जो मैंने देखे हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आई वाज माइटी इम्प्रेस्ड जिस तरीके से इन्होंने इसको हैंडल किया है, इस फिल्म को। और मेरी बहुत शुभकामनाएँ इस फिल्म के लिए, इसकी स्टार कास्ट को, स्पेशली आकाश जी को। ये मैं इनका अक्सर इनके काम का मुरीद रहा हूँ, ये पीछे भी बहुत बढ़िया काम जो है वो करते रहे हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म। अनिल शर्मा सर का असिस्टेंट था गदर में, और वहीं से सीखा हूँ, तो आप लोगों को जो भी सवाल पूछ रहे हैं सर से पूछ सकते हैं। तेरे को बेटा, और आप सबको पूरी तौबा तेरा जलवा, बस तेरा जलवा हो, बस मैं यही चाहता हूँ बस। थैंक यू सो मच सर, और आप सबका जलवा हो, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ये फिल्म अच्छी सफल हो। और बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त से कोई आदमी ये मकाम पा पाता है कि फिल्म बनाए, पहले तो फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो,
फिर यहाँ किसी के संग काम करे और फिर वो मौका आए, बरसों बरस लग जाते हैं तपस्या करते करते, तो आज इसकी तपस्या सफल हो बस मैं यही चाहता हूँ। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फिल्म को लेके, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो एक रोम कॉम है, एक्शन थ्रिलर सब कुछ ऑल टुगेदर, सारा बॉलीवुड मसाला एक साथ। जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। एंड बहुत मज़ा आया अमीषा पटेल के साथ काम करके, जतिन खुराना के साथ, राजेश शर्मा जी के साथ, सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे कैरेक्टर का नाम है रिंकू कुमारी, जो एक बहुत ही घरेलू, जिसकी दुनिया उसका पति ही है। सो रिंकू कुमारी इज़ मैडली इन लव विथ रोमी त्यागी एंड हु इज़ अ बिजनेस टाइकून। एंड रिंकू कुमारी शी लव्स बॉलीवुड ड्रामा एंड सीरियल्स। सो उसे अपने पति के लिए तैयार होना बस वही शौक है, जबकि वो काफ़ी नॉटी मिजाज का है जो काफ़ी सारे अफेयर्स बाहर रखता है। बट दिस इज़ अ मूवी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और इन द एंड बिल्कुल सबक मिल जाता है उनको। एंजेला अमीषा दोनों बहुत हार्डवर्किंग लड़के हैं, दोनों बहुत खूबसूरत हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और मेरा जो कैरेक्टर है वो रोमी त्यागी, इस कैरेक्टर का नाम है, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट में बिजनेस करता है, थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा शरारती है और इस बहुत सारे। यस, हमारी फिल्म तौबा तेरा जलवा 5 जनवरी को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। प्लीज़ अपने निकट सिनेमा घरों में जाएँ और जरूर देखें। सो आप भी जाओ और देखो मूवी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो और हमारे गानों को बहुत अच्छे से इन्जॉय करें, जो कि एक पार्टी सॉन्ग और सूफी सॉन्ग। हाँ जी यार, आई एम इक्वली वेरी मच एक्साइटेड एंड आई थिंक बहुत ही टैलेंटेड हैं सर एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। और मेरा तो इनका नाता बहुत पुराना है, मैं जब मुंबई में मेरा थिएटर की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के प्ले मोहनजोदड़ो से हुई थी। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले विच आई डिड विद हिम एंड सिंस देन मैं तो उन्हें आकाश भैया ही बुलाती हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म एंड और भी आगे जितना भी अच्छा उम्दा काम करेंगे उसे देखने के लिए। फिलहाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं ढूंढ ढूंढ के अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करता हूँ, अपने इसके साथ करूँगा और ये आज आप लोगों के सामने वादा है, बहुत जल्दी ये दिखेंगी मेरी ही फिल्म में। अरे फिलहाल तो आई कांट कमेंट ऑन इट, क्योंकि जब तक चीज़ें फाइनल ही होती है आई कांट से। बट फिलहाल तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के लिए आई हूँ, आकाश भैया के लिए और इनके काम की सराहना करने, क्योंकि मुझे पता है बेहद खूबसूरत होगा। एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, पैर में मेरे पट्टी बंधी हुई है, क्रॉक्स मैंने पहने हुए हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, लेकिन तौबा तेरा जलवा हो ऐसा जलवा मचाया है कि मैं बेड से उठ के बाकी आ गई। सो ऑफ कोर्स मेकर्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर माय फैमिली, नरेश एंड रेनू आर माय फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इनकी फिल्म रिलीज हुई है। कुछ फिल्म हमने भी बनाई हैं, रिलीज होंगी जल्दी तो देखिए, आई नो एंड दे आर वंडरफुल पीपल। तो ये उन प्रोड्यूसर्स में से हैं जिनमें जज्बा भी है और जज्बात भी है, सो आई एम 100% श्योर ये और बहुत अच्छी फिल्म्स बनाएंगे। और अब तो रेनू आ गए तो अब हम लोग महिलाओं के लिए फिल्म्स बनाएंगे, आप सिर्फ हमें फिनांस करना, दैट्स इट। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बात तो जो पिक्चर है वो हमारे मित्र आकाश आदित्य लामा ने बनाई है, तो ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट राइटर, हमारी एक दो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, तो कमाल के लेखक है। तो जो ट्रेलर मैंने देखा है वो ट्रेलर भी बहुत बढ़िया है और उसके बाद अमीषा जी का गदर के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट फिल्म है वो भी अपने आप में एक मतलब मान के चलिए कि 500 करोड़ की पिक्चर की जो हीरोइन है वो अभी नेक्स्ट तौबा तेरा जलवा में है। सो आई एम श्योर एक्साइटिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। और जतिन जो है उनको मैं पर्सनली जानता हूँ फॉर सम टाइम नाउ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हार्डवर्किंग है और बहुत ही कमाल का डांसर है। और आई एम श्योर एक बार आप या ऑडियंस जब भी पिक्चर देखेगी तो दे विल डेफिनेटली लाइक हिज वर्क, दे विल डेफिनेटली वॉन्ट टू सी हिम डूइंग मोर फिल्म्स।
फिल्म बहुत कमाल की है, तौबा तेरा जलवा, और जतिन खुराना बहुत ही एनर्जेटिक लगे हैं पूरे पिक्चर में। अमीषा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और उनके साथ जो लड़की है वो भी बहुत अच्छा काम किया है। और ये फिल्म बताती है कि जतिन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कितना अच्छा डांस कर सकते हैं आप, पटियाला गाना में देख सकते हैं, एक्शन, आप इसको फुल मसाला फिल्म कर सकते हैं। पांच में से 3.5 स्टार। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही रोम कॉम टाइप की लाइट कॉमेडी है, सो इट्स वेरी नाइस। जो लोग देख रहे हैं यार, देखा जिन्होंने देखा है, क्या रिस्पॉन्स मिला उनका? सो लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, एक गाज़ियाबादी लड़की का जिसके अंदर एक गाज़ियाबादी एक्सेंट है, सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्ले, एंड मेरा कैरेक्टर मोस्टली सारीज में है, एक एक आदर्श बहू का कैरेक्टर है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। आपका सीरियल देखते हुए बहुत लोगों को ऐसा कुछ दिखाया गया कि क्या है? सो मेरा जो कैरेक्टर है रिंकू कुमारी, वो बहुत सारे सीरियल्स देखती है, उनकी लाइफ रोमी त्यागी है उनका पति, एंड उन्हें सजना सवरना पसंद है अपने हस्बैंड के लिए, सो दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। आशीष सर काम कर रहे हैं, कुछ कहेंगे इसके बारे में? उनका जी साथ में काम कर रहे हैं अमीषा पटेल। अमीषा पटेल के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, शी इज सच अ वर्सटाइल एक्ट्रेस, उनके साथ सेट पे भी देयर वाज सो मच टू लर्न, देयर वाज सो मच टू अब्सॉर्ब, सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विथ हर, एंड शी वॉज सो पोलाइट एंड सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, बींग सच अ लेजेंडरी एक्ट्रेस, शी वॉज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। जतिन इज सच अ वर्सटाइल एक्टर, आई मीन गुड एक्टर, good dancer, and he's really good, so it was a great experience to work with Jatin ji. Hamare sir Akash sir ne who's an amazing director, amazing writer, jab unhone mujhe narrate kiya tha Tauba Tera Jalwa, I was like oh my god I really want to do it, because it's such a interesting role, it's such an interesting character, so bahut hi acha laga Akshay sir ke sath kaam karke. Saal ki pehli film hai, lag raha hai kya hoga is baar. So 2024 की पहली फिल्म है, सो आई फील गोना कम विद अ बैंग, एंड 24 भी बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, थैंक यू। बहुत अच्छी फिल्म है, एक नए सब्जेक्ट पे बनी है, मैं समझता हूँ आज के ज़माने में हर युवाओं को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि वो इस फिल्म के ज़रिए एक सबक सीख सके, और कलाकारों का बहुत अच्छा काम है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और कहानी भी अच्छी है। इस फिल्म में तो वाकई उसने गदर मचा दिया, मैं समझता हूँ कि अमीषा पटेल की जो इमेज है उसके हट के फिल्म है ये, पहली बार बोल्ड और ब्यूटीफुल इमेज में आ रही है अमीषा पटेल, हमेशा ऐसी है ना, हमेशा साल की पहली फिल्म, इस साल की नहीं सुनील पाल की भी पहली फिल्म है जो उन्होंने पहली बार देखी है, सुनील पाल को उन्होंने पहली बार देखी है कोई फिल्म, जो और बहुत अच्छी फिल्म है, मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना चाहिए, स्क्रीन मिलना चाहिए, ताकि नए प्रोड्यूसर आए, नई फिल्में बनाए, जैसे हमारी फिल्म गाली गलौज आई है, थिएटर में नहीं रिलीज़ की, लेकिन अब नेक्स्ट फिल्म जब भी करूँगा थिएटर के लिए करूँगा, गाली गलौज तो SRK म्यूज़िक पर है, लेकिन अब जो फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, वो फिल्म थिएटर के लिए करूँगा, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं फिल्म बनाने वाले, फिल्म लिखने वाले के बारे में कहूँगा, और केवल इतना कहना पर्याप्त होगा दैट इफ़ यू वॉन्ट टू बी एट मोर देन वन प्लेसेज एट द सेम टाइम, अगर आप एक साथ एक ही समय एक से अधिक जगह पर होना चाहते हैं, तो या तो आप किसी क्रिया योगी से मिलिए, या मिलिए आकाशादित्य लामा से, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, और वो भी बखूबी, वो एक्टर हैं, हालांकि अपने आप को नहीं कहते, मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आशा करता हूँ कि आने वाली फिल्मों में वो काम करेंगे,
वो बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी उनके डायलॉग राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जहाँ तक स्क्रीन प्लेज का सवाल है, मेरे ख्याल से ही हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्रीन प्ले रेपोजिटरीज इन बॉलीवुड। और डायलॉग इस फिल्म के तबा तेरा जलवा, देखिए कितने एजुकेटेड हैं, पंची हैं। आम तौर पे पंची डायलॉग में सिर्फ एज होती है, डबल पंच होता है, लेकिन इसमें एजुकेशन है, इसमें अंदर की बात है, उसमें ज्ञान की बात है, इसमें इनका अनुभव झलकता है। इसलिए शायद इस फिल्म देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि तौबा तेरा जलवा तो है शीर्षक, इसको देख लेने के बाद लोग कहते हैं कि वाह वाह तेरा जलवा, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो कहेंगे, और विशेष रूप से इसलिए भी कि इसमें अमीषा पटेल है, कि गदर है तेरा जलवा। ऑल द बेस्ट।